बताती तो है, बताती है। हेलो जी, हेलो मैम। मैं एक बार लिंक शेयर कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने डाला था ना, ये वाले पीसेस की कमिंग सून में ये रेडी हो रहा था, तो आज ही पार्सल आया है मेरे पास। हाँ जी मैम, अभी मैं दिखा रही हूँ, प्राइस भी बताऊंगी आपको। बस एक बार लिंक मैं शेयर कर दूँ सब ग्रुप्स में, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, और लाइव को प्लीज़ आप शेयर कर देना। हाय उपासना मैम, हाउ आर यू? स्टिच कलेक्शन आ गया है, बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं भी इन पीसेस का। पर्टिकुलर साइज आपका ये 40, अभी दोबारा देखती हूँ, 42, 44, 46 सब साइज आएंगे। तो साइज मैं स्मॉल मीडियम साइज नहीं बनवाती हूँ, मेरा मीडियम जो साइज होता है ना वो 42 होता है। तो जो मेरा रहता है वो स्टाइल जो मैं स्टिच कराती हूँ, पर्टिकुलर मेरे यहाँ से जो भी पीसेस जाएंगे ना वो बैगी स्टाइल में रहेगा, लूज फिट में जाएगा उसमें। तो मेरा जो 40 मीडियम साइज होता है ना वो 42 से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो आप जो भी आप मतलब साइज जब लेते हैं ना, तो आप थोड़ा सा पूछ के, क्योंकि टाइट फिट में मैं कभी नहीं बनाती हूँ, मैं मतलब बनवाती नहीं हूँ टाइट फिट में। तो दिस इज 42, 42 में रहेंगे ये वाले साइज, 42। आपको 44 मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा, ठीक है? 46 तक जाएंगे साइजेस में। तो और लेंथ मैं देखूँ एक बार कि मैं स्टार्टिंग में एक बार देख के और बता देती हूँ कि लेंथ कितना जाएगा। और बहुत सारे लोगों का है कि यार 38 को तो ये बहुत लूज रहेगा। अब मैं 38 वाला मतलब मैं भी मीडियम मीडियम पहनती हूँ, कोई किसी किसी ब्रांड का स्मॉल आ जाता है, ठीक है? तो मैं तो खुद पहनती हूँ ये वाला साइज, मैंने पहना है तो लूज है, इट्स बैगी स्टाइल। तो ये भी अपने आप में ना एक आपका स्टाइल होता है कपड़ों को कैरी करने का, लूज फिट में पहनो बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 38 वालों के ये बहुत झल्ला लगेगा, ठीक है? इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कितना जाएगा। इसको आप एज अ ड्रेस भी पहन सकते हो, वन पीस में, लाइक स्नीकर्स के साथ कैरी कर सकते हो, कि आप वोकेशंस पे जा रहे हो उस तरीके से ना। 46, 46 एंड हाफ, आई थिंक 47 है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऐसे करके किया है ना, तो 46 एंड हाफ आ रहा है, तो ये आई थिंक ये 47 है, ठीक है? तो लेंथ इसकी ये जाएगी। प्लीज आप लाइव को प्लीज आप एक बार शेयर कर दो, फिर मैं इसके आपको जो भी पैटर्न्स है वो दिखाती हूँ। फैब्रिक रहेगा सॉफ्ट कॉटन, एकदम से सॉफ्ट रहेगा, जैसे मलमल होता है ना, बिल्कुल प्योर कॉटन वाला। बट सबसे अच्छी बात है इसमें आपको लाइनिंग की जरूरत नहीं है, ट्रांजीनी है। मैंने इसको पैंट के साथ कैरी किया है, विथ बहुत साइड इसमें पॉकेट्स रहेंगी, और यहाँ पे इसमें कलियां जाएंगी, ठीक है? फ्रंट एंड बैक में कलियां रहेंगी, एक पास से मैं दिखा देती हूँ, ठीक है? इसमें ओवरलैप में रहेगा, किसमें दिखेगा अच्छे से, एक डिजाइन की डिटेलिंग्स आएंगी, एक कोई लाइट कलर है जिसमें अच्छे से दिख पाए, इसमें दिख जाएगा। ये देखो ओवरलैप में जाएगा ये वाला, इसका नेक वी नेक ओवरलैप में, और यहाँ पे आपको गैदर्स मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको इतने एरिया में आपको गैदर्स मिलेंगे, इसमें भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है? और यहां से आपकी कलियां रहेंगी,
एक सेकेंड में दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे आपकी कलियां रहेंगी फ्रंट एंड बैक बोथ साइड, नॉर्मल स्लीव्स रहेंगी, लूज फिट में जाएगा, साइज आपको मिल जाएगा 42, 44, 46 है ना, ये साइज अवेलेबल रहेंगे, आप अपना साइज के साथ आप बुक कर सकते हो। 44 वाले भी, ये 42 था ना, हाँ तो ये साइज 42, 38 वाले, 40 वाले, तो ये साइज पहन सकते हैं आराम से, ठीक है। इसका बस्ट साइज 42 है और नीचे से तो बहुत लूज है, तो हमें तो मेन साइज यहाँ से देखना है कि आपको कंफर्टेबल कंफर्ट फिट रहे, ठीक है। अभी मैं इसके आपको डिजाइन सिखा देती हूँ, मैं इसका ना साइज चेक कर रही थी और मैंने इसको ऐसे ही पहन लिया। कहाँ गए सब लोग, आ क्यों नहीं रहे, अभी बहुत कम लोग आए हैं। ठीक है जी, इसके जो प्रिंट्स रहेंगे ना, ये वाले जो इसमें आप देखोगे ना, इक्कत का जो रहता है ना, इक्कत प्रिंट्स उस तरीके में जाएगा, इनका इक्कत प्रिंट्स में जाएंगे, बड़ी कूल है, स्मार्ट है। आप मतलब स्नीकर्स के साथ, अपने शूज के साथ, आप वन पीस में भी इसको कैरी करोगे, बहुत स्मार्ट लगेगा। अगर आपको पैंट्स के साथ कैरी करना है तो भी आप कैरी कर सकते हो, दोनों तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हो। मैं कोई रील या वीडियो अपलोड करूंगी ना, उसमें देख लेना कि किस तरीके से आप इसको, मतलब दोनों तरीके से ही स्मार्ट लगेगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी वही प्लीट्स रहेंगी यहाँ पे फ्रंट में, ओवरलैप नेक रहेगा, सबका डिजाइन सेम है, आपके इसके जो प्रिंट्स है वो डिफरेंट रहेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगी। ये सबसे पहले आपका रहेगा, ये 50 बन जाएगा, 50 साइज में अगर किसी को चाहिए ना, मतलब अगर स्पेशली आपको कोई साइज बनवाना है तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप करना 8398007786। ये फैब्रिक हमारे पास है, जो भी साइज आपका होगा ना, साइज आपका बन जाएगा, ठीक है। बस आपको वेट करना पड़ेगा, अगर हम साइज अलग से बनाते हैं ना, तो मतलब 1 वीक 10 डेज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो प्रॉपर लेंथ है, इसमें कलियां जाएंगी फ्रंट एंड बैक में, यहाँ पे ए लाइन में विथ बोथ साइड पॉकेट्स, कंफर्ट फिट में जाएगा। 42 साइज मैं दिखाऊंगी आज आपको, जितने भी साइज दिखा रही हूँ दीज आर 42 साइज, ठीक है। इतना लूज है मुझे तो, अब देख लेना, मैं 38 पहनती हूँ, 38 थोड़ा सा लूज रहता है तो उसके अकॉर्डिंग है ये साइज, ठीक है। नेक्स्ट कलर जाएगा हमारा बहुत सुंदर सा रेड कलर, सेम पैटर्न जाएगा, वी नेक रहेगा ओवरलैप में, यहाँ पे आपकी गैदर्स जाएंगी, बहुत साइड आपकी कलियां रहेंगी इसमें अगेन, और ये जाएगा इसका, बहुत बहुत स्मार्ट है ये कुर्ता। इसको आप व्हाइट लेलन पैंट के साथ या आप ऐसे ही अपने स्नीकर्स के साथ आप इसको कैरी करोगे तो भी स्मार्ट लगेगा, ठीक है। अगेन बहुत साइड पॉकेट्स, चेक करो है ना, कहीं पता चले किसी में रह गई पॉकेट लगानी और फिर कहोगे कि हाई पॉकेट नहीं है। प्राइस मैं बताती हूँ, प्राइस रहेगा 1299, नो शिपिंग, ठीक है। ये पॉकेट्स रहेंगी बहुत साइज, प्राइस 1299, 1299, नो एक्स्ट्रा शिप, ठीक है। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक रहेगा, बहुत ही मजेदार रहेगा फैब्रिक इनका, और जो अपने इक्कत आता है ना वो वाले प्रिंट्स जाएंगे इसमें सारे, सॉफ्ट कॉटन रहेगा एकदम से, वॉश करोगे उसके बाद और सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें कलर ब्लीड नहीं होगा किसी का भी ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये कलर जाएगा हमारा नेक्स्ट, मस्टर्ड येलो के साथ ये वाले प्रिंट रहेगा, 1299, ठीक है। कलियां रहेंगी फ्रंट एंड बैक, नेक्स्ट रहेगा हमारा पिंक, ये वाले प्रिंट्स बड़े स्मार्ट लगते हैं, इनको पहन के ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए दिस इज पिंक कलर, 42 साइज में दिखा रही हूँ, साइज अगर आपको ज्यादा, आपको बड़ा साइज चाहिए तो आप प्लीज मेंशन करना, जब आप बुकिंग करते हो तो उसमें साइज अपना जरूर मेंशन करना कि आपको कौन सा साइज। अगर 42 साइज, ये वाले साइज जो मैं दिखा रही हूँ ये तो आपके साथ साथ डिस्पैच हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको दूसरा साइज चाहिए तो वो आपको 2-3 डेज लगेगा, 3 डेज के बाद डिस्पैच होगा दूसरे साइज, आप जो भी कोई बुक करोगे, ठीक है। ये देखिए ये इसका प्रिंट रहेगा, सॉफ्ट कॉटन जाएगा एकदम से, ये रहेगा हमारा ये वाला ब्लॉक इस तरीके का, इसमें आई थिंक अच्छे से विजिबल है आपका, ये वी नेक में रहेगा,
और यहाँ पे इसकी गैदर्स जो आएंगी साइड में आपको कलियां मिलेंगी आपको, ठीक है, विद बोथ साइड पॉकेट। पॉकेट्स होना ना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत मजेदार लगता है मुझे पॉकेट्स के बिना, तो मैं तो सूट्स में भी यूज करती हूँ, मतलब पॉकेट्स के साथ ही रहते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर है, और ये रहेगा इसका प्रिंट, सॉफ्ट कॉटन रहेगा, मतलब हम इसको मल कॉटन भी बोल सकते हैं। लाइनिंग की जरूरत नहीं है, ट्रांजी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दिस इज ब्लू कलर, ठीक है, ये देखिए व्हाइट के साथ आप इसको कैरी करो, या व्हाइट शूज के साथ आप इसको कैरी करो एज वन पीस, तो भी बहुत स्मार्ट लगेगा। सी, ठीक है, फ्रंट बैक आपका सेम जाएगा, अगेन वी नेक, यहाँ पे गैदर्स रहेंगी, 1299 इज द प्राइस, बहुत स्मार्ट है ये वाला भी। नेक्स्ट रहेगा हमारा दिस वन, जो रेड वाला मैंने दिखाया था उसी का दूसरा कलर है, जो रेड वाला पीस दिखाया था उसी का दूसरा कलर जो आएगा, सेम प्रिंट में विद बोथ साइड पॉकेट्स, 1299, नो एक्स्ट्रा शिप, समर्स के लिए परफेक्ट है इस टाइम पे, जो ये वेदर हो रहा है ना इतना खतरनाक वाला, परफेक्ट है इस टाइम के लिए ये वाले पीसेस। दिस वन इज ऑरेंज कलर, दिस इज ऑरेंज, व्हाइट के साथ ऑरेंज कलर जाएगा, 46-47 लेंथ रहेगी, जिसका मैंने किसी एक का देखा था वो 47 था, किसी में 46.5, मतलब फिर मैं आपको इसलिए अप्रोक्स बता देती हूँ, 46-47 ये आपका इसमें कुर्ते का लेंथ रहेगा, और बस्ट साइज इसका रहेगा 42, ऑल साइजेस आर अवेलेबल, ठीक है, ये देखिए बहुत स्मार्ट है। नेक्स्ट हमारा रहेगा ये वाला, दिस इज ऑल्सो वेरी प्रीटी विद अगेन बोथ साइड पॉकेट, ए लाइन में जाएगा, कलियां डली हुई है इसमें, विद ओवरलैप नेक डिजाइन जाएगा आपका, एंड यहाँ पे आपके गैदर्स रहेंगे, ठीक है। मैं आपको 16 डिजाइन दिखाऊंगी, आई थिंक 15 और 16 आपके डिजाइन रहेंगे इसमें, पैटर्न सेम रहेगा, फैब्रिक की क्वालिटी सेम रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, प्रिंट कलर और वो दिखाऊंगी मैं आपको, डिफरेंट मतलब प्रिंट सेम हो सकता है बट कलर कॉम्बिनेशन है ना वो 15 और मे बी 16 है। ये देखिए ये भी बहुत स्मार्ट है, पेस्टल शेड्स में लाइक दिस, जस्ट इमेजिन कि आप इसको कैरी कर रहे हो तो कितना ही स्मार्ट लग रहा है, वन पीस में पहनोगे बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने खुद रखे अपने लिए 3-4 इसमें ना, क्योंकि इतनी गर्मी है, ये मलमल वाला जो कपड़ा होता है ना एकदम से सॉफ्ट, वही कैरी करना मतलब अच्छा लगता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। ये देखो 1299, नो एक्स्ट्रा शिप, यहाँ पे गैदर्स जाएंगे आपके पूरा, बहुत स्मार्ट पीस है, साइड में आपकी कलियां जाएंगी इसमें, कंफर्ट फिट रहेगा आपका बिल्कुल, ठीक है। ब्लू कलर, जो रेड का दिखाया था मैंने, रेड वाला पीस दिखाया था उसमें एक और आया था, देन उसी का रहेगा हमारा ये प्रिंट, ब्लू कलर, ऑफ वाइट कलर का है। ये देखो साइड में इसमें आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो कि ना यहाँ पे पूरी कलियां रहेंगी फ्रंट एंड बैक में, फ्रंट एंड बैक आपकी कलियां रहेंगी इसमें, विद बोथ साइड पॉकेट्स, फ्रंट बैक आपका सेम रहेगा, 46 और 47 इसका लेंथ रहेगा, 42 इसका साइज रहेगा, साइजेस आपको सारे मिल जाएंगे इसमें, 1299, 1299 इज द प्राइस, नो एक्स्ट्रा शिपिंग। दिस इज डार्क ब्लू, दिस इज डार्क ब्लू, ये हमारा ब्लू दूसरा था, आपको मिल जाएंगे मैम प्लस आपको जो भी साइज चाहिए ना प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर देना इसमें, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक है ये बहुत सारा, और आपका वो वाला साइज रेडी करके जितना जल्दी होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप प्लीज मुझे जो भी आपको साइज चाहिए प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर देना, 8398007786, दिस इज द बुकिंग नंबर। जो भी कुर्ती जो भी डिजाइन आपको चाहिए उसमें उसका पिक्चर लेके और मुझे उसका साइज मेंशन करके व्हाट्सअप करना, तो आपको मिल जाएगा, कस्टमाइज हो जाएगा कोई भी साइज, ठीक है। ये देखो विद बोथ साइड पॉकेट, ड्रेसेस एज अ ड्रेस आप कैरी कर सकते हो, विद पैंट्स के साथ आप कैरी कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप
किसी भी कपड़े को आप कैसे कैरी करते हो या आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है मैम। ठीक है, आप इसको वन पीस में कैरी करोगे विद योर स्नीकर्स तो भी ये बहुत कूल लगेगा। ठीक है, और अगर आप इसको पैंट्स के साथ कुर्ती और पैंट वाला लुक दोगे तो भी बहुत स्मार्ट लगेगा। आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। साइड से इसकी क्लोज है, इसके जो साइड स्लीव्स हैं वो ओपन नहीं है, तो आप इसको किसी भी तरीके से पहन सकते हो। अगर आप इसको वन पीस में पहनना चाहो तो आप इसको इस तरीके से कैरी कर सकते हो, पैंट्स के साथ भी कैरी कर सकते हो। मैम स्मॉल साइज देखो इनका लुक नहीं आएगा। अगर मैंने बताया ना कि मैं 36 38 साइज पहनती हूँ तो मैं वो साइज मुझे आता है। ठीक है, बट इसमें 42 साइज मुझे परफेक्ट लग रहा है लूज फिट में। अगर हम इसको सोचो कि हम इसको टाइट बना देंगे तो इसका क्या लुक रहेगा, जस्ट सी, टाइट में इसका लुक आएगा ही नहीं क्योंकि इसमें कलियां डली हुई हैं। दिस इज अ बैगी स्टाइल, तो इसमें आप स्मॉल साइज आप 40 साइज ले सकते हो, इसको थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, अदरवाइज तो ये ऐसे ही स्मार्ट लगेगा। टाइट करा के नहीं पहनना इनको, यही इसका लुक है, इसी में इसका लुक आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे भी फ्लेयर चाहिए ना, पूरा नीचे आप देखोगे ना इसमें कितना फ्लेयर रहेगा। अगर हम इसको ऊपर से अगर हम इसका साइज छोटा करेंगे तो नीचे वाला फ्लेयर हमारा कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो तो मतलब सिंपल सी बात है कम हो जाएगा, फिर उसका वो लुक नहीं आएगा। हाँ जी मैम ये मिल जाएगा, इसमें मेरे पास मल्टीपल रहेगा, मिल जाएगा। ये भी बहुत स्मार्ट है ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि अभी देखो नीचे से अगर हमने इसका घेरा कम करा ना, कोशिश भी करी घेरा कम करने की, तो इसका ये लुक नहीं रहेगा। अब सोचो कि अगर फिर हमारा स्ट्रेट लुक आ जाएगा एकदम से, सोचो कि घेरा कम कर दिया, ऊपर से हमने इसका साइज कम किया, ऑब्वियसली नीचे से हमने घेरा कम करना पड़ेगा इसका, तो अभी अगर इतना सा हमारा घेरा रहेगा तो इसका लुक खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे एक रीजन होता है, कोई भी हम स्टिच कराते ना, कोई भी ड्रेस कोई भी सूट है ना, तो उसके पीछे हर चीज देखनी पड़ती है। मतलब मैं बहुत तरीके से सोच के फिर उसको स्टिच कराती हूँ कि ये इस तरीके से अच्छा लगेगा। अभी स्टिच में मेरा काफी कुछ आएगा, डोंट वरी, बहुत कुछ आने वाला स्टिच कलेक्शन में, तो आप लोगों की ना स्टिचिंग वाली जो प्रॉब्लम है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी। और स्टिच में भी वही आ रहा है कि जो अपना हैंडलूम वाला है ना, जो मैं अनस्टिच में आप लेते हो, तो वही वाला मेरा स्टिच में आएगा। और सबसे अच्छी बात है वो लाइक प्रोडक्शन हाउस से नहीं है, वो हमारे बुटीक से ही स्टिच हो रहे हैं सारे पीसेस, बहुत अच्छी फिनिशिंग अच्छे मार्जिन के साथ इस तरीके से मिलेगा। ये देखो मैम मैं पीछे हो गई हूँ, अभी देखो आप ये लुक रहेगा। इसको आप वन पीस में भी कैरी करोगे, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है, वन पीस में आप कैरी करोगे बहुत स्मार्ट लगेगा विद स्नीकर्स। ठीक है, और फिर पैंट आप कैरी करोगे तो भी बहुत स्मार्ट लगेगा, बहुत बहुत ही कंफर्टेबल है। जब आपके पास आएगा आप पहनोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मजेदार है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देखिए पिंक कलर, दिस इज पिंक कलर, एक प्रिंट में जाएगा सारा इनका जो लुक है ना। साइज वही रहेगा आपका 42, अभी जो मैं साइज दिखा रही हूँ दीज आर 42, लेंथ 46 47 आएगी, अच्छी खासी लेंथ है। अगर किसी को लग रहा है कि लेंथ आपकी ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, तो आप नीचे से सीधा आपको इसको कट करना है और फोल्ड करवा देना है, क्योंकि नीचे सीधी मतलब सिलाई लगी हुई है इसमें है ना, हेमिंग वगैरह नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि किसी को अगर इसकी लेंथ कम करानी है तो आप करा सकते हो। बट मैं सजेस्ट यही करूंगी अगर आपका 38 साइज भी हो, आपका 36 साइज भी है, तो आप ये साइज 42 साइज लो। 36 38 वालों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 42 वाला साइज, ठीक है, 42 वाला साइज आप लेना, क्योंकि वो वाले में लुक नहीं आएगा, इसका छोटा साइज बनाएंगे। थैंक यू सो मच हंजी उपासना मैम, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि अकेले मैनेज करना पड़ता है बहुत कुछ चीज़ें, तो धीरे धीरे आई ट्राई माय बेस्ट, कोशिश कर रही हूँ मैं कि जितना हो सके जल्दी, क्योंकि स्टिचिंग में ना 99% मेरे जो क्लाइंट्स हैं आप लोग हैं जो लेते हैं ना कपड़े जो भी यहाँ से बाय करते, तो उनका ये कि यार हमारे पास ना स्टिचिंग वाला ऑप्शन ही नहीं है, हमने इतने सारे कपड़े ले तो लिए हैं तुमसे बट वो ना बिके भी रखे हैं, तो भी कहाँ से स्टिच कराएं, क्या स्टाइल बनाएं,
क्योंकि स्टिचिंग इज द मेन पार्ट. आप कितना ही महंगा सूट ले लो, 5,000-10,000 कितना ही ले लो, बट स्टिचिंग में अगर आपका अच्छा नहीं है या उसका कोई स्टाइल उसका क्रिएट नहीं किया है तो वो मतलब यूजलेस है, मुझे ऐसे लगता है. ठीक है, कपड़ा चाहे आप सस्ता ले लो बट स्टिचिंग पार्ट आपका अच्छा है ना, बहुत फिनिशिंग, बहुत स्टाइलिश, कुछ उसमें कोई स्टाइल क्रिएट किया है तो वो उसकी अलग ही चीज है. तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे थे मेरे पास उसके, उसमें फिर मैंने ये था कि जितना भी मेरे पास स्टॉक आ रहा है ना जो मैं अनस्टिच में दिखाती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी. अभी मैंने हमारे मतलब कारीगर मैंने अलग से भी रख दिया है, मास्टर जी जो हमारे स्टिच करते वही है, वही देखेंगे वो सारी चीजें. तो उन सबको मैं ना स्टिच में दिखाऊंगा, कुछ पीसेस रहेंगे अनस्टिच में अगर किसी को लगता है कि हमें तो अनस्टिच चाहिए, बट रहेगा सारा बैगी स्टाइल में, लूज फिट में. ठीक है, लूज फिट वाला रहेगा, बस स्टाइल मेरा जो है वही रहेगा. हम मैं टाइट फिट में नहीं बनाती, सूट वाला प्रॉपर लुक नहीं रहता, वो लूज फिट में रहेगा. आपका साइज स्टार्ट रहेंगे 44 से 46 ऐसे जाएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइव करूंगी बहुत जल्दी, कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से वो सारा मेरा स्टिच होके आ जाए, काम चल रहा है उनके ऊपर, फिर मैं दिखाऊंगी. फिर अगेन ये बहुत स्मार्ट है, 1299 इज द प्राइस, नो एक्स्ट्रा शिपिंग. अभी मैंने एक सूट मेरा स्टिच होके आया है, मैं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊं बनवा दिखाती हूँ, बट पहन के दिखाऊंगी तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा. दिखा देती हूँ फिर ऐसे ही आप लोगों को. ये देखो, ये ब्लॉक प्रिंट, मतलब ये वाला मुगल बूटा बोलते हैं इसको. हाँ, साइड में देखो, इसमें पता चलेगा, इसमें वो कलियां, यहाँ पे ओवरलैप वाला नेक है और ये वाला गैदर्स है यहाँ पे. स्मार्ट है ये भी, 1299 इज द प्राइस. हाँ जी, आप बुक कर सकते हो, बहुत एक्स्ट्रा शिपिंग नहीं है आपका, कुछ नहीं है. 1299, 1299 इज द प्राइस. वेरी सॉफ्ट फैब्रिक रहेगा आपका, बहुत अच्छे से इसकी स्टिचिंग है, तो आप कर सकते हो बुक. बुकिंग नंबर है 8398007786, दिस इज द बुकिंग नंबर. ठीक है, वो वाला सूट मैं सोच रही हूँ कि उसको फोटो करके अच्छे से, तब पैसे समझ नहीं आएगा आपको. प्राइस 1299, शिपिंग फ्री इनके लिए, क्योंकि ये वाला जो कलेक्शन है ना हमारा बना है जहाँ पे बहुत सारे कपड़े बनते हैं वहां पे, इसलिए हमें इसका स्टिचिंग बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहा. तो ये अपना बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि उनके चार्जेस ज्यादा नहीं होते, बट उनको एक पैटर्न दे, क्योंकि उसमें उनके पास क्या होता है ना कि एक ही पैटर्न में बहुत सारे पीसेस बनवाने होते हैं उनको. हम तो मेरे को ये था कि ये परफेक्ट है ये वाला पैटर्न और हम बनवा सकते हैं इसमें डेली वेयर के लिए, तो ये है इसलिए इसकी कॉस्ट हमारी कम इसलिए आई है. अदरवाइज तो अगर हम ऐसे स्टिच कराते हैं ना बुटीक से और वो मास्टर खुद का मतलब रखते हैं और वो तो क्योंकि वो इनकी सैलरी इतनी ज्यादा होती है तो वहां पे तो कॉस्ट इनकी ज्यादा आती है. ठीक है, हाँ ओके जी, एनीथिंग. सो आप सब लोगों पे भी अच्छा लगेगा मैम, आप पहनोगे ना ये सब चीजें लूज फिट में, अगर आप पसंद करते हो ऐसे वाले पैटर्न. बट मैं कहूंगी कि ये पहना करो लूज फिट वाला स्टाइल, वो बहुत कम्फर्ट होता है, वो बहुत सुंदर लगेगा. अभी वो ब्लैक वाला ना मेरा रेडी हुआ है, वो भी मेरे को बड़ा स्मार्ट लग रहा है. एक ब्लैक लूज फिट में रहेगा, साइज तो भाई पता ही नहीं सो कितना बड़ा है, आई डोंट नो, बहुत खुला है वो, इतना ज्यादा है वो. बट वो मैंने भी पहना ना, मैंने ट्राई करके देखा तो स्मार्ट लग रहा था. दिखाऊं मैं लेके आऊं, कोई बात नहीं मैम, रिकॉर्डेड वाला लाइव देख लेना. ठीक है, उसको हम बाद में दिखाएंगे फिर उसकी, आज इतना ही करते हैं, उसको उसका पूरा कलेक्शन रेडी हो जाएगा ना, फिर दिखाएंगे उसको जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि एक हमारा मलमल जामदानी में रेडी होके आया. प्राइस रहेगा मैम 1299. अच्छा वो वाला, चलो मैं लेके आती हूँ.
हाँ जी हाँ जी, आप देख लेना। ये देखो मैं आपको बोलती हूँ ना कि काफ्तान स्टाइल में आप स्टिच कराओ, बट काफ्तान में क्या करते हैं ना कि हाँ जो बाहर से कपड़ा होता है ना उसको वो ऐसे फ्लेयर जो बनी रहती है या फिर डोरी लगा के, वो काफ्तान नहीं, वो बहुत ही आउटडेटेड हो गए। हाँ जी मिल जाएगा इसमें भी, ठीक है। ये जो हमारा न्यू कलेक्शन आया ना मलमल में हार्ट वाला, इसमें मल्टी कलर के हार्ट बनवाए हैं और इसकी एल्बो तक स्लीव्स जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे इसकी लूज में। ये पहनने के बाद है ना बहुत स्मार्ट लग रहा है ये वाला पीस, ये जब हम इसको पहनेंगे ना बहुत ही सुंदर, मतलब मैंने पहन के देखा बहुत स्टाइलिश। हाँ जी मैम, जो मैंने पहना है वो मिल जाएगा। ये वाला कलेक्शन मेरा अभी रेडी हो रहा है, इसमें आपको काफी कुछ मिलेगा। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और लूज फिट में जाएगा, इसकी स्लीव्स यहाँ तक जाएंगी, यहाँ तक, ठीक है, एकदम से लूज में, बहुत मतलब अमेजिंग। इसका दिखाऊंगी मैं किसी दिन इसका ना पूरा कलेक्शन, बट ये बहुत ही सुंदर है। इसको हम, मैंने लाइनिंग इसमें नहीं लगवाई तो इसकी लाइनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको आपको कैसे कैरी करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, लाइनिंग की जरूरत नहीं है, बहुत हैवी हो जाएगा। पहन के दिखाऊंगी किसी दिन, आज ही मेरे से रुका ही नहीं जाएगा, अभी पहन के इसकी वीडियो बनाऊंगी, सब्र नहीं होता मेरे। कोई नई चीज बन के आ जाए ना तो मुझे होता है कि फटाफट लाइव कर दूं, फटाफट दिखा दूं, अभी लाइव में दिखा दूं सारे पीसेस, मेरे को वैसे हो जाता है कुछ। अपने आप को रोकती हूँ, एक दिन तक कंट्रोल कर पाती हूँ, बट रात तक मेरे को फिर नींद आई कि हाँ मैं तो कल दिखाऊंगी, मैं तो लाइव में ये चीज नहीं बन के आई, तो मेरा तो वो हाल है। ठीक है जी, अभी आएगा बहुत कुछ आएगा, आई होप सो, कुछ प्रॉब्लम ना हो बीच में, जैसे मतलब हो जाता है कि कुछ ना कुछ कि बीच में काम रुक गया, बन नहीं रहे, तो वो सब चीज़ें मतलब बहुत कुछ सोचा हुआ है। अगर सही सब कुछ चलता रहा, मैं सही से काम करती रही, मेरा दिमाग सही रहा, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इंटरेस्टिंग सब। क्योंकि बीच बीच में मेरा भी ऐसे हो जाता है ना, मैं भी किसी और दुनिया में चले जाती हूँ और बहुत कि मेरे को काम करने का मन नहीं करता, मैं नहीं करूँगी काम, मतलब ऐसे वाली होती है ना लेडीज के साथ, तो वो वाली सिचुएशन भी आती है। हाँ जी ये बहुत स्मार्ट है, इसका मैं ना रील बना के डालूंगी और फिर देखना कि कितना सुंदर लग रहा है, अमेजिंग, बहुत 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 सुंदर है। ठीक है चलो जी, अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही आप लाइव में, जब मैं लाइव आती हूँ ना, प्लीज आ जाया करो, प्लीज यूज एक्सप्लेन कर, जो मैंने वेयर किया है प्लीज उसे एक्सप्लेन कर दो। इसको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओवरलैप में वी नेक में इसका जाएगा नेक, वही मेरी आंखें लाल हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है ना आजकल, तो मैंने अभी देखा पिंक हो गई आंखें। और क्या कह रही थी, और यहाँ पे आपके गैदर्स मिलेंगे आपको, इतना जो ये हमारा नेक की पट्टी आई है, ठीक है, यहाँ पे आपको गैदर्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको कलियां जाएंगी, यहाँ से लेके पूरी आपकी यहाँ पे कलियां रहेंगी, दिख रहा है पैटर्न आपको यहाँ से अलग दिखेगा कुछ, ठीक है, फ्रंट बैक में आपकी कलियां जाएंगी। हाँ जी हाँ जी, भी मैं कर रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ, बस यही है स्टाइल, नहीं देख रही, ऐसे ही लूज फिट में रहेगा। बाय मटेरियल फ्रॉम यू एंड डिजाइन शेयर करने में एक्चुअली क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, बन जाएगा, बनने में कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन हर डिजाइन बनता है, बट क्या होता है ना डिजाइन अगर आप ऐसे, हाँ जी पॉकेट्स हैं मेरे कपड़ों में, पॉकेट्स तो मिलेंगे मिलेंगे, कुछ और डिजाइन हो ना हो पॉकेट्स आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि पॉकेट होना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि हर टाइम मेरे को तो पर्स उठाना, बैग उठाना ना इतना मुश्किल लगता है कि मुझे तो सर्वाइकल है, तो वो मैं बहुत कम यूज करती हूँ, तो मुझे लगता है कि छोटा मोटा गाड़ी की चाबी या कुछ कार्ड वार्ड डालना ना, पॉकेट्स होनी चाहिए भाई, मजबूती से लगाओ, पता चले कि सामान हमारा गिर गया। साइज रहेगा 42 से लेके 44, 46, 42 से 46 साइज जाएगा मैम, ये मैंने 42 पहना है, दिस इज साइज 42,
और हाँ जी, आपकी आपका क्वेश्चन था कि आपके डिजाइन्स तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर डिजाइन में 19-20 भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि हाय मैंने तो ये फोटो भेजा था एज इट इज बनाना था, अब हम नहीं पहनेंगे इसको, क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे साथ, ऐसा हुआ है, तो मैंने वो किसी और के डिजाइन बनाना बंद कर दिया है, मैं अपने ही डिजाइन बनाती हूँ, वो बेटर है। होता है ये ऐसे कि 38 मैम, 38 नहीं लेना है आपको, 38 मैं 38 वाली साइज, 36-38 साइज में पहनती हूँ। अब ये देखो कि मुझे ये कुछ ऐसे बेकार तो नहीं लग रहा, आई थिंक, तो आप 42 साइज लोगे, दिस इज बैगी स्टाइल, ठीक है, 38 साइज नहीं होता इसमें, वो आपका ये लुक नहीं आएगा 38 साइज में। अगर हम यहाँ से टाइट करेंगे तो यहाँ से इसका जितना भी इसका घेरा है वो कम हो जाएगा, 38 साइज नहीं है, 38 वाले लेंगे 42 साइज, ये 42 साइज है, मैं भी 38 पहनती हूँ, 36 भी आ जाता है मुझे, तो आप यही साइज लोगे, और मैं 46 भी पहनती हूँ, आप सोचो 46 साइज मेरा जो व्हाइट जामदानी सूट जो आप लोग सब इतना तारीफ करते हो वो 46 है, वो इतना लूज है बट वो स्मार्ट लगता है। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं लाइव को मैं अपलोड करूँ। ऑर्डर कैसे करना है आपको, 8398007786 दिस इज द बुकिंग नंबर, स्क्रीन शॉट लेके आपको भेजना है, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे, ठीक है जी।